दी गई है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले का एनडीए दलों ने विरोध किया है। केसी त्यागी चिराग पासवान ने इसका विरोध जाहिर किया। द हिंदू ने इस खबर को जगह दी है। जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि फैसला जाति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। लेकिन दीपिका देखिए, इसमें समझना ये भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब पहचान उजागर करने का जिक्र किया गया है तो इसमें डिमांड ये की जा रही है कि जो कांवड़ियों होते हैं उन्हें कई नियमों का पालन करना होता है, और इन नियमों के तहत में एक और जहां ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से वो कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते हैं, तामसिक भोजन उनको उस चीज का भी ध्यान रखना होता है, अगर किसी भी दुकान पर किसी प्रकार से नॉन वेजिटेरियन अगर व्यंजनों को बनाया जा रहा है तो वो वहां भी खाना नहीं खा पाते। सवाल ये है ना सुरभि कि अभी जो फैसला लिया गया है सरकार की ओर से, जो हेडलाइंस आप देखिए डिफरेंस इन एनडीए ओवर द नेम प्लेट, और फिलहाल देखिए यहाँ पर जो एनडीए के ही सहयोगी हैं, जो सहयोगी दल हैं, वही इसका विरोध कर रहे हैं। केसी त्यागी चिराग पासवान ने विरोध जाहिर किया है। इस खबर को आप भी दिखा रही हैं, देखिए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने फैसले को गैर संवैधानिक बताते हुए कहा कि फैसला जाति सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला है। तो फिलहाल देखिए यहाँ आपको एक ही अखबार में दो अलग अलग खबर दिखने को मिल जाएंगी, डिफरेंस विद इन इंडिया लाइंस ओवर नेम प्लेट, और दूसरी खबर यही आप देखेंगे कि मुस्लिम कावड़ मेकर्स डिसहार्टन बाय एस्केलेटिंग रो ओवर एनुअल यात्रा, यानी कि एक और जहां ये कहा जा रहा है कि आपको नेम प्लेट अपना उजागर करना होगा कि आप अगर दुकान चला रहे, बिल्कुल आप अपनी दुकान चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांवड़ियों को इससे दिक्कत ना होने पाए, वो अपनी सहज के साथ अपनी बुद्धिमता के साथ में वो अपना खुद का डिसीजन ले सके, और इसी के तहत में ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कहीं पर भी जाकर खाना है तो वो इच्छा उनकी है, लेकिन आप अपनी पहचान नहीं छुपाएंगे ताकि किसी भी तरीके से कांवड़िए कल को ये ना कह पाए कि आपकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई है, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि पहचान छुपाई गई है। हम इस खबर को देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया वो तमाम बातें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं, समझिए आप देखिए इस खबर को, यहाँ जगह दी गई है इस ब्लॉक में, आप देख पाएंगे कि यूपी में कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिक का नाम लिखना की बात, यहाँ पर यह खबर इसलिए खास हो जाती है कि एनडीए के जो सहयोगी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, खबर अब बनती है। अब आप समझिए कि सहयोगी बोले हैं इस आदेश से सांप्रदायिकता में तनाव बढ़ेगा, सरकार फैसला तुरंत वापस ले। देखिए विपक्ष तो विरोध कर ही रहा था, अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी का विरोध आया, मायावती का विरोध आया, अब सरकार के लिए मुसीबत सुरभि ये हो जाएगी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल अब खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है एनडीए के सहयोगी दलों के द्वारा इस पूरे फैसले से, इस पूरी गाइडलाइन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा, इसीलिए फैसला वापस लें। देखने वाली बात होगी क्या सरकार बैकफुट पर जाएगी, क्या सरकार को दबाव का सामना